नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं विनय हरी तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदा जी। कनेडा पढ़न जाणा है, कनेडा च चंगी सिक्ख्या लैणी है, कनेडा च सैट होण जाणा। वक्खरे वक्खरे तरीके ने लोगों दे, वक्खरे वक्खरे मोटिवस ने, वक्खरे वक्खरे टारगेट्स ने। चंगी सिक्ख्या वास्ते बच्चा भेजोगे, PR अगले घर दे जूगे आके। टारगेट की है तुहाडा, इस चीज़ तो तुसी अवेयर होने चाहिए हो। बच्चा जमदा वै, माँ बाप बच्चे दे फ्यूचर नू लैके टेंशन च हुंदा वै, फ्यूचर दी प्लानिंग करदा वै। किसी नू पुछ लो, अमीर नू पुछ लो, गरीब नू पुछ लो, तुहाडा बच्चा वड्डा होके की बनेगा। तुसी बच्चे नू वड्डा होके की बनाना चाहते हो, तुसी बच्चे नू की पढ़ाई पढ़ानी चाहते हो। कोई भी ये नहीं कहेगा मैं अपने बच्चे नू ड्राइवर बनाना चाहना, कोई भी ये नहीं कहेगा मैं अपने बच्चे नू ट्रक ड्राइवर बनाना या मैं कनेडा दे विच ट्रकिंग लई भेजना। बचपन तो ही माँ बाप की रीझ हुंदी है, बच्चा साडा डॉक्टर बनेगा, बच्चा साडा इंजीनियर बनेगा। सपने देखने का हर किसी नू हक है। एक स्टूडेंट भी देखता, एक अमीर भी देखता, एक गरीब भी देखता। एक माँ बाप चाहता वह बच्चा डॉक्टर बन जाए, एक माँ जब माँ बाप चाहता वह बच्चा इंजीनियर बन जाए। कि सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं? नहीं बनते। असी बच्चों बाहर भेजते हाँ चंगे कॉलेजों च, कोर्सा च दाखला लैन की बच्चों सलाह दें। बच्चा कहता मैं जाना है। बच्चे इस चीज़ ना अवेयर नहीं है असी की करना उ जाके। ज़्यादातर बच्चे किसी ना किसी के पिछे लगते हैं। पहला सवाल हुंदा मेरा जो भी मैं किसी बच्चे की काउंसलिंग करदा, जो भी किसी के माँ बाप नूं मिलदा, किसी स्टूडेंट नूं मिलदा, पहला सवाल हुंदा भी तुसी आपका बच्चा कनेडा क्यों भेजना चाहते जे। पता 90% लोग की कहिंदे आ, ओ जी असी तां पक्का कराना जी। तुसी पक्के हो पहला एक मुल्क दे विच, तुसी सिटीजन हो, भारत के नागरिक हो, तुसी कनेडा की नागरिकता लैण वास्ते अज अप्लाई करते हो। उहदा सफल की होएगा, किद्दां उहदा रस्ता होएगा, उन्हां चीज़ां बारे तुसी नहीं सोचते। महीने तो साल का टाइम लगता है, 6 महीने तो साल की प्रैक्टिस है, फिर तुसी कनेडा जा सकते जे चंगे कॉलेज चंगे कोर्स विच जाना है। इतने असी रात नू सोचते हाँ, सवेरे मशहूरी देखते हाँ, फोन करते हाँ, नाल ही कनेडा भेजने वाली दुकान पर पहुँच जाने। कनेडा भेजने वाली दुकान पर की काम होंदा? पैसे बाद चो लवांगे, फंड असी छोड़ेंगे, इंटरव्यू तेरी असी दे देंगे। वक्रे वक्रे तरीके नाल लोगों का एक ढंग बनया हुआ वा कारोबार चलाने का। असी भी चलाने, असी भी कहने पैसे वीजा लगन तो बाद लवेंगे ते लैने। ये व्यापार बंदा बाहर भेजन दा वै, जबकि ये व्यापार है कंसल्टेंसी दा है। कंसल्टेंसी असी तुहानू चंगा कॉलेज चंगा कोर्स लभ के देना है। अज दा मेरा विशा वै, जिस विषय ते मैं तुहाडे नाल अज रूबरू होऊंगा, कि तुहाडे बैंड घट ने आइल्स दे विच। तुसी डरदे हो अप्लाई करन लग्या कि पैसे पहला लग जाने, जे वीजा ना लगा पैसे खराब होणगे, बट नैचुरल खराब होण। अज कोरोना दा टाइम चलदा पिया, कारोबार किसे दे चलदे नहीं पे, लोकां दी जमा पूंजी सारी जिंदगी दी पई है। लोग उस पैसे नाल बच्चा बाहर भेजना चाहते ने, जे वह पैसे फस गए काम सिरे ना चढ़िया की। 2 दिन पुरानी गल सुनाना, एक जवाक साडे कोलों हरियाणे तो आया। हरियाणे तो एक परिवार ने साडे कोलों वीजा अप्लाई करन वास्ते रिक्वेस्ट की। असी उन्हां दा ऑनलाइन प्रोसैस किया, फाइनली वह बच्चा मैडिकल कराण आया, मैनू मिलिया। उहदे पिता जी नूं मैं पुछिया जी तुसी बच्चा क्यों भेजना चाहते जे, कहिंदे बच्चा सैट करना चाहते हैं। अच्छा पैसे हैगे तुहाडे कोल अज करोना च? की कहना सी कि भाई महाराज 40 लाख का किला थो, 13 लाख में बेच दियो। 40 लाख रुपए जड़ा किला सिगा कोरोना तो पहला
जाट ने किला 13 लाख रुपये नू बेचता। 40 लाख रुपए वाली चीज अज 13 लाख रुपये नू बिक गई क्योंकि ग्राहक नहीं हैगा लैण वाला। मां बाप कोल जिमीदार दे कोल घर पैसे नहीं पए हुंदे, उन्हें आड़ती को फड़ने हुंदे आ जां चीज जगह बेचनी हुंदी है। अज दे मौके आड़तिया भी कोई पैसा नहीं दे के राजी क्योंकि किसी कोल पैसे का आदान प्रदान नहीं हो रहा, पैसे किसी कोल भी आ जा नहीं रहे। पैसे दे विच नहीं हैगा, तुसी चीज वेच के जाना बाहर, याद रखियो। ज्यादातर लोगों प्रॉपर्टी को प्लाट दुकान कोई खेत लोग वेच के बाहर जाते हैं और अज चीजा के रेट 25 पैसे रह गए है। जड़ी कल तक चीज 4 रुपए नू बिकती सी, अज वो चीज 13 लाख रुपए किले नू बिकती पई है। वो भी पैसे वेच के, जे तुसी किसी एजेंट नू देते बाहर जाने लई, जे तुहाडा जवाक ना चढ़िया वो पैसे का नुकसान देखो किन्ना है। अज लख रुपये की वैल्यू 10 लाख रुपए के बराबर है। पैसे नहीं जुड़ते पे किसी को भी, कोई भी कारोबार नहीं चलता। जिहड़ा भी बंदा पैसे कमांदा सी उहनूं को जा अज पैसे कमा के लिया। अज किसी को भी पैसा लेना अगों तुहानूं लारा मिलता कि नहीं कम नहीं चलते, चेन टुट चुकी है। जे मैं किसी नूं पैसे देने सी तां मैं किसी को लैने भी सीगे, हुण जदों मैनूं देण वाले नहीं आए तां मैं लैण वालिआं नूं कित्थों मोड़ांगा। इस करके आपदे पैसे संभाल के रखो। मेरा छोटी जी तुहानू सारिआं नूं मैसेज है इस वीडियो के जरिए, असी पैसे बाद चो लैने हां और यह साडा सिस्टम पिछले 5 साल तो चलता आ रहा है। ये मैं कोई अज नवा सडनली उठ के नहीं कह रहा कि असी पैसे चो, पिछले 5 साल असी हजारा ही बच्चे बाहर भेजे है, किसी भी बच्चे को असी कोई पैसा नहीं रहा। तुसी अज अपलाई करना, अपलाई करना पहला तो उत्थे जाके देखो कि वह दुकान खुली है। जिस भी जगह तो अपलाई कर रहे हो कि उन्हों का कोई वजूद है, जो पैसे किसी एजेंट नू दे रहे हो कल वापस लैन जोगे है उतो। अज ऑनलाइन क्लासिस की गल हुंदी पई है, तुसी आस्ट्रेलिया नू पैसे भेज दिओ, तुसी कनेडा नू भेज दिओ, तुसी अमरीका नू, किसी भी कंट्री नू पैसे भेज दिओ। जिस भी कंट्री नू पैसे भेजदे भेजे, जे तुहाडा कल नू वीजा लगा या ना लगा, तुहानू ऑनलाइन यूजर नेम पासवर्ड मिलना है। यार लो फड़ो पढ़ लो, तुसी तां पढ़न जाना सी ते उद्देश्य तुहाडा पढ़ना नहीं हैगा, तुहानू भी पता चंगी तरह। असी कनेडा दे कॉलेज की फीस तारदे हां, असी कनेडा दे कॉलेज च पढ़ना है जाके, असी ओह आनंद मानना है। असी कनेडा दी धरती ते पैर रखण वास्ते पैसे दिंदे हां, असी ऑनलाइन पढ़न लई पैसे नहीं दिंदे। पैसे वीजा लगने के बाद, सारे पैसे वीजा लगन तो बाद असी ये मुहिम शुरू कीती सी। क्यों? क्योंकि बच्चियां दे पैसे खराब हुंदे सी। अज कनेडा दे कॉलेज तो तुहानू ऑफर लैटर लै दिंना, $100, $200, $300 ऑफर लैटर दी फीस है। ऑफर लैटर आ गई, कुछ लोग फ्री भी दे दिंदे है, ऑफर लैटर आ गई, फिर हुण अब साल की फीस भेजी जाएगी। अब साल की फीस भेजी जाएगी तो फीस कितनी है? फीस है $15,000, $16,000 या $18,000। ये फीस कितने रुपए पे जाएगी? फीस जाएगी 56 रुपए पे, 56 रुपए, 57 रुपए, 58 रुपये ना फीस जाएगी। बाजार से रेट 52 रुपये है, फिर 56 रुपए ना फीस जाएगी। चलो कारोबार है, सारे रोटी खानी है, 2-3-4 रुपये मार्जिन तो रखना बनता ना जी हर एक एजेंट का। अगर 15,000 फीस जाएगी, 3-4 रुपये इधर उधर हुए तो 45-50 हज़ार रुपया यहाँ पे किसी ने कमा लिया, किसी ना किसी नू पैसा बच गया। चलो अगले हर किसी का ढंग बनया काम करन दा। तुसी पैसा तारता, ऑफर लैटर दा तारता, तुसी कॉलेज की फीस तारती, व्हाट यू विल गेट? कि वीजा मिल गया? नहीं, हजे मिलया नहीं, अप्लाई किया। कॉलेज वाले कहते ऑनलाइन क्लास शुरू कर लो, ऑनलाइन क्लास शुरू कर लो। कनेडा दे कॉलेज नू, आस्ट्रेलिया दे कॉलेज नू फीस किस चीज़ की दिती है? तुसी तुसी फीस दिती है पढ़ाई दी। उन्होंने तुहानू यूजर नेम पासवर्ड भेजता ऑनलाइन दा, लो पढ़ लो। कनेडियन भी कहता हाँ जी हाँ जी, जे तुसी पढ़ोगे असी तुहानू वर्क परमिट भी देंगे, तुसी 50% पढ़ाई इंडिया दे विच पढ़ लो। मैं नहीं कहिंदा, मिनिस्टर ने कहा,
ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਵਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਡ, ਦੇ ਸੈਡ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਅਰ 50% ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਦੇਰ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਐਨੀ ਇਸ਼ੂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ 50% ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? $18,000 ਦੀ ਹੈ। $16,000 ਸਲਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ $8,000-$9,000 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, 52,000 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਆ ਪਰਸੋਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 52,000 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਆ। ਇਹ 52,000 ਦਾ ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਫੀਸ ਤਾਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਪਾਏ ਕੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੁੜਨਗੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗਾ? ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਦੇਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਪੋਲਿਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ, ਇੱਕ 'ਚ 5 ਨੇ, 2 'ਚ 5 ਨੇ, 1 'ਚ 5.5 ਨੇ, 2 'ਚ 5.5 ਨੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 6E ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 6E ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ SDS ਲਈ। ਜਨਰਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 6 ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 1 'ਚ 5 ਨੇ, 2 'ਚ 5 ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ 1 'ਚ 5 ਆ, 2 'ਚ 5 ਆ, ਓਵਰਆਲ 6 ਹੈਗੇ ਆ। ਯੂ ਆਰ ਅਵਰ ਕਲਾਇੰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 2, 3, 4, 5, 10 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ ਗੋਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮਸ। ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬਈ? ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਨੋਟ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ। ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਕਿੰਨੇ ਲਾਣੀ ਸੀ? ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ, 62 ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਉਹ ਜੀ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥਾ ਜੀ। ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਰਟਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, +2 ਆਰਟਸ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਓਗੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, 25 ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਰ ਆਰ 25 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਆਰਟਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਤੁਹਾਡੀ +2 ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ। 25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ 1, 2, 4, 5 ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ, 25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ 25 ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਸੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਜੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਖਤਮ। BSc ਨਰਸਿੰਗ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਊਂਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ।
मैं को तुहानू ट्रक ड्राइवर दा या किसी तरह की सिक्योरिटी की जॉब वास्ते नहीं तुहानू मैं दसूंगा, मैं तुहानू ये दसूंगा कि जिहड़ा कोर्स मैं लैके दे रहा इस कोर्स तो बाद किन्ने पैसों की तुहाडी तनखा लगनी है, किदां तुसी 2 लाख रुपया महीना किहड़े कोर्स कमा सकते हो। अज मैडिकल केयर मैडिकल हैल्थ केयर के कोर्सां की डिमांड है, इदां दे कोर्सां च दाखला लोगे तुहाडी जिंदगी बनेगी। तुहाडा 2-4-5 वारी वीजा रिफ्यूज हो गया होया, ओनली स्टडी वीजा, असीं विजिटर वीजा की कोई एप्लीकेशन नहीं लै रहे, कोई असीं वर्क परमिट का काम नहीं करते, ना साढ़े नाल संपर्क करो वर्क परमिट वास्ते, ना संपर्क करो विजिटर वीजा वास्ते। इफ यू हैव ए स्टडी वीजा रिफ्यूजल, यू लिव इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, किसी भी जगह पर तुसी रहिंदे हो, तुहाडा वीजा दिल्ली एम्बेसी तो रिफ्यूज होया, ऑनलाइन रिफ्यूज हो गया, बैंगलोर तो रिफ्यूज हो गया, वी आर रेडी टू टेक इट ए कॉल। सानू समझ आ, रिफ्यूजल च लिखिया होंदा तुसी वापस नहीं आना, किदां नहीं वापस आना भाई साहब, 15 लाख रुपया तुसी तारता, कॉलेज की फीस कॉलेज नूं देती, GIC की GIC नूं देती, डॉक्टर आपके पैसे मैडिकल करन दे लै गया, एजेंट ने आपके पैसे लै ले, बई सारे ने तो पैसे लै ले, तो हुण वीजे की वारी सी, हुण कहा जांदा वापस नहीं आना। फिर जिहड़ी इन्नी दुनिया जा रही जहाजा च बैठ के क्यों जा रही है, फॉल्ट किहदा, जिम्मेवारी किहदी है, जिन्हें अप्लाई किया, बेनीफिशरी कौन है, तुसी हो, वीजा तुहाडा रिफ्यूज होया, नुकसान तुहाडा होया, एलीगेशन तुहाडे ते है, कमी तुहाडे ते है, कदी एजेंट ने अपने सिर नहीं लैनी, क्यों, क्योंकि तुसी पैसा दे चुके हो। कहो किसी एजेंसी को, भाई साहब हम पैसा देंगे तब जब हमारा वीजा लगेगा, वीजा नहीं लगा तो हमने कुछ नहीं देना, छनकना मिलेगा, फिर नहीं कोई अप्लाई करता। लिख के गल करांगे, 33% वीजा हम लगाएंगे, तुहाडे 33% नंबर है, जाओ जोर ला लो, किसी को कोई मशहूरी करे 33% की, हाँ 80% नंबर है कोई भी भेज देगा, 7 बैंड है कोई भी भेज देगा। मैं गल करदा पाया तुहाडे 1 च 5, 2 च 5, मैं गल करदा ही नहीं पाया तुहाडे 7 ने, तुहाडे 8 ने। आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू हैव अ रिफ्यूजल, यू डोंट हैव सोल्यूशन, किसी ने नहीं बांह फटनी तुहाडी, 2-4-5 वारी रिफ्यूज, वी आर हेयर, 2-4-5 वीजे नहीं मैं लवाए 33% वाले, मेरे को हजारा ही लोग चले गए वीजे लवा के, लिखो 33% तो देखो रिजल्ट की है, रिजल्ट शुड बी पास, तुसी पास है गए हो, मैं तुहाडी कॉल लैन नूं तैयार हाँ। दुनिया च जिहड़े लूजर लोग होंदे है वो लोग जिन्हां दे नंबर घट होंदे है उही इतिहास लिखते होंदे है, चाहे वह धीरू भाई अंबानी ने लिखा हो, चाहे मिस्टर टाटा ने लिखा हो, चाहे मिस्टर बिरला ने लिखा हो, चाहे वह आइंस्टाइन हो, चाहे न्यूटन हो, कोई भी बंदा जिंदगी दे विच किसी रस्ते ते चलन नाल ही उत्थे पहुँचते हैं। तुहाडा कनेडा वीजे नाल संबंधित कोई भी तुहानू दिक्कत है, अखां बंद करके साडे नाल संपर्क करियो, की चाहिए सानू, अज अगले बैंड मंगते पे है, हाँ ठीक है थोड़े अगे दे दौ, तुहाडे बैंड थोड़े है, असी करा लाँगे वीजा लवा लाँगे, तुहाडे नंबर थोड़े है, वी आर रेडी, सारिया चीज़ां शर्त की है, पैसे उदन लवेंगे जिदन तुहाडा काम होएगा। सो फाइनली इस वीडियो का मोटिव उन्हां बच्चों प्रेरित करना जिन्हां बच्चों के आयल्स के बैंड घट ने, जिन्हां बच्चों के वीजे रिफ्यूज़ हो चुके हैं, इदा का कोई भी तुहाडे गुआंढ दे विच, तुहाडे रिश्तेदारी च, तुहाडे घर दे विच इदा का स्टूडेंट है जिहड़ा मायूस है, उन्हें जरूर साडा सुनेहा दिओ, साडू आप दी डिटेल भेजो इस वट्सएप ते, तुहाडे सपनियां नूं साकार करन दी जिम्मेवारी मैं लूंगा। धन्यवाद।